हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अंश गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मल द्वार के अंदर जितनी भी क्वेरीज होती हैं या जितनी बीमारियां होती हैं उन सभी को हम वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आते रहते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है फ्रेंड्स कि समाज के अंदर जितनी भी मल द्वार के रोगों को लेकर भ्रांतियां फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से और 100% हम खत्म कर सके। तो फ्रेंड्स, आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हम टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं वो ये है फ्रेंड्स कि मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं पेशेंट्स के कि सर ऑयलिंग कैसे करना है, सर आप बार बार कहते हो ऑयलिंग करो, जैते तेल से ऑयलिंग करो, सर मसाज कैसे होता है, आप बहुत सी बार बोलते हो कि मसाज करो। तो मसाज में और ऑयलिंग में इन दोनों में क्या फर्क है और कैसे आप इन दोनों को करोगे, क्या इनका प्रोसीजर होगा, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। ऑयलिंग करने में और मसाज करने में दोनों में अंतर है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मल द्वार के रोग को समूल खत्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मसाज करना और ऑयलिंग करना। अगर आप प्रॉपर रूप से इसको कर लेते हो तो आप अपनी बीमारी को 80% रिजॉल्व कर लेते हो। जो पेशेंट्स इस तरह के प्रोसीजर प्रॉपर रूप से नहीं कर पाते वो पेशेंट्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज ऑयलिंग का और मसाज का इन दोनों के अंदर अंतर समझते हैं और कोशिश कर मैं आपको लाइव डेमो इनका समझा सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं मसाज की कि मसाज मल द्वार की कैसे की जाए। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखो, हमारे पास ये क्रीम है। अब इस क्रीम को ओपन करने के बाद हम अपनी टिप पे थोड़ी दवाई लेंगे। टिप पे दवाई लेने के बाद अब टिप पे क्वांटिटी कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो मेडिसिन लोगे उसकी क्वांटिटी खूब अच्छी तरह ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी क्वांटिटी लेने के बाद टिप पे दवाई ली, उसके बाद पहले आपको बाहर के हिस्से को मसाज करना है, मतलब लुब्रिकेट करना है, चिकना करना है। जब आप स्लोली स्लोली बाहर के हिस्से को मसाज करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ बाहर का हिस्सा चिकना हुआ और इतना चिकना हुआ कि आप उंगली टच करते ही तुरंत आपकी उंगली अंदर जाए, ठीक है, उंगली आपकी टच करते ही तुरंत अंदर जाए, उसको कहते हैं प्रॉपर लुब्रिकेशन आउटर सरफेस का। पहले आपको बाहर की सरफेस का लुब्रिकेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टिप पे दवाई ली और सीधा अंदर डाल दी, उससे इंजरी हो जाएगी पेशेंट को। पहले बाहर के हिस्से को लुब्रिकेट करो, चिकना करने के बाद स्लोली स्लोली अंदर जाओ, उसके बाद फिर दोबारा दवाई लो टिप पे, फिर अच्छी तरह फिर अंदर लगाओ, फिर टिप पे दवाई लो, फिर अंदर लगाओ। तो 2 से 3 मिनट से 4 मिनट तक आप इस काम को कर सकते हैं। स्लोली स्लोली मसाज करना है। फिंगर आपकी इतनी जानी चाहिए, आधी आधी फिंगर मल द्वार के अंदर जानी जरूरी है। मल द्वार के अंदर दवाई उंगली से लगवाने का एक और बेनिफिट होता है कि हम जो उंगली से दवाई लगवाते हैं उसका बेनिफिट ये होता है कि मल द्वार का डायलेशन प्रॉपर रूप से होता रहता है। अगर आप एप्लीकेटर से दवाई लगाते हैं तो उसका जो मल द्वार का डायलेशन है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता और उसको स्पाज्म होता है। जो मल द्वार छोटा होता है दर्द की वजह से वो ऐसे ही पड़ा रहता है और पेशेंट को रिलीफ आता नहीं है। तो इसलिए फिंगर से दवाई लगाने को हम रेगुलर बोलते हैं, इसको बोलते हैं मसाज करना। तो ये तो आपका हुआ मसाज करना। अब मसाज के तुरंत बाद जो कहते हैं कि ऑयलिंग करो, अब ऑयलिंग कैसे करना है, ये आपका तेल है। इस तेल को आपने 4 ml सिरिंज से भर लिया। 4 ml तेल भरने के बाद आप इस तेल को मल द्वार के अंदर इस टिप को लगा के प्रेशर से पुश कर दो, इसको बोलते हैं ऑयलिंग करना। अब पुश करने के बाद क्या होता है, बहुत से पेशेंट ये भी कहते हैं कि सर तेल बाहर आ जाता है। रेक्टल एरिया जो होता है, जो एनल कैनाल है जहां तक हमारा वर्क है, वो होता है 3.5 cm का। जब आपने प्रेशर से तेल डाला तो जितना उसको काम करना होता है वो चला जाता है जहां तक हमको काम करना है। उसके बाद जो तेल बाहर निकलता है, एक कॉटन रखो, नीचे रखो कॉटन को, तो जो तेल बाहर आता है वो कॉटन के अंदर आएगा और कॉटन को उसको एक तरह से मल द्वार के ऊपर लगा दो, जिसको ऐसे बोलते हैं ड्रेसिंग करना। तो एक तरह से आपकी पट्टी भी हो जाएगी और पोजीशन हमेशा होती है दवाई लगाने की मसाज करने की लिथोडोम पोजीशन। इमेज में आप देख लो, इस पोजीशन के अंदर आपको दवाई लगानी है। और कोशिश करें कि दवाई आप अकेले ना लगाएं, कोई ऐसा जो आपका बहुत चहेता हो, जिसको आप अपनी एक एक चीज बताते हो उससे आप अपनी दवाई लगवाएं। और दवाई का तरीका यही है, मसाज करने का तरीका मैंने आपको बताया, ऑयलिंग करने का तरीका बताया। मसाज और ऑयलिंग करना एक साथ साथ है, दोनों साथ करने हैं।
कोई टाइमिंग कोई गैप नहीं है इन दोनों के अंदर। जैसे जैसे आपके सिम्टम्स रिजोल्व होते हैं तो आप इनकी मात्रा को कम कर सकते हैं स्लोली स्लोली, लेकिन 2 से 3 महीने आपको ये ट्रीटमेंट रेगुलर फॉलो करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो, और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोज को शेयर करें जिससे कि आपके साथ साथ दूसरे का भी भला हो सके। जय हिंद, जय भारत।